हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 13 जुलाई 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज का आपका सब्जेक्ट टॉपिक है अवर कंट्री इंडिया का। हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे और अच्छे से समझेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली नॉर्थन हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लैंगिट्यूडल 8° 4' एंड 37° 6' एंड लॉन्गिट्यूडल 68° 7' एंड 97° 25' ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23° 30' एंड डिवाइड द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 equal halves। इंडिया का बता रखा है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में एक्सटेंड करती है। इसका जो लैटिट्यूडनल डिग्री है वो 8° 4' नॉर्थ में है और 37° 6' नॉर्थ से ले रखा है, और लॉन्गिट्यूडनल में 68° 7' से ईस्ट से लेके 97° 25' ईस्ट तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5° पे है, वो इस पूरी इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यह है, ये ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ पार्ट में बांटती है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का लैंड मास है उसका एरिया कम से कम 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.54% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का तो जितना टोटल एरिया है वो जोग्राफिकल एरिया वर्ल्ड का 2.4% है। इंडिया इज़ द 7th largest country ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया 7th number पे है जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है। 1st number पे आपको पता है चाइना है, 7th पे हमारी इंडिया है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 30°। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो इंडिया का मेनली 30° है। डिस्पाइस दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। तो जो ईस्ट और वेस्ट है वो ज़्यादा अपेयर होता है, जो नॉर्थ साउथ हमें कम अपेयर होता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 hours। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाएं तो 2 घंटे लगेंगे। हैंस द टाइम अलॉग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82° 30' ईस्ट। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पूरी इंडिया का टाइम है वो 82° 30' पे है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर को काटती है, पास करती है। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और यही स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है पूरी कंट्री के लिए। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का, और जब साउथ से नॉर्थ में मूव होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें आपको डायग्राम दे रखा है इंडिया का, NCERT से ले रखा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई 82° 30' हैज़ बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को ही क्यों माना गया, और किसी रेखा को क्यों नहीं मांगे? तो आप इसका आंसर करेंगे, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन ऑफ टाइम द लॉन्गिट्यूडल ऑफ 82° 30' ईस्ट इज कंसाइडर एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया के एकदम बीच से ही आती है, ज़्यादातर थोड़ा बीच में ही है, इसलिए इसी को हमने टाइम ले लिया कि इसका जो टाइम है वही पूरी कंट्री में है। वरना अगर दिल्ली में अगर 5 बजे तो अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे, तो ऐसे टाइम अवॉइड हो जाएगा, इसलिए हमने 82° 30' वाला टाइम लिया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन फार कश्मीर। क्या जो डिफरेंस है वो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का, वो जो कन्याकुमारी और कश्मीर डिफरेंस है? तो आप इसका आंसर करेंगे, कन्याकुमारी एंड कश्मीर डिफरेंट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट ड्यू टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्योंकि वो इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पे, आप देखेंगे वो जो कन्याकुमारी है पूरा साउथ में ही है और कश्मीर सबसे ऊपर नॉर्थ में ही है। द प्लेस विच इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ द डे रिमेन्स सेम एंड लॉन्गर थ्रू आउट द ईयर। और जो प्लेस जहाँ इक्वेटर के नियर है उसमें जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादातर सेम रहता है पूरे ईयर तक। वेर इन द प्लेस लोकेटेड फार अवे द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरिस। और जो उस जो इक्वेटर से दूर है वो उनका जो टाइम का वेरिस होता है वो चेंज होता है, ड्यूरेशन चेंज रहता है। थर्ड क्वेश्चन है,
द सन राइजेज 2 आवर्स अर्ली इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शो द सेम टाइम हाउ डज दिस हैपन। अब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले जो सूरज है वो उग जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद उगता है, तो पर जो टाइम होता है वो तो सेम अपेयर होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे हो सकता है ये? तो आप इसका आंसर करेंगे अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है हमारी वो वेस्ट से ईस्ट में यानी पश्चिम से पूर्व में रोटेट करती है। सिंस अरुणाचल प्रदेश इज इन द ईस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में है। द सनराइज इज अर्ली देयर, तो सनराइज वहाँ पे अर्ली होता है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री एंड सन टेक 4 मिनट टू क्रॉस 1 डिग्री, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का वो कम से कम 30 डिग्री है और सन 4 मिनट लेता है 1 डिग्री को क्रॉस करने में। सो इट टेक्स 30 × 4 यानी 120 मिनट्स टू क्रॉस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्रॉस करने में वो 120 मिनट यानी 2 घंटे लेता है अरुणाचल प्रदेश। टू अवॉइड कंफ्यूजन इन द कंट्री, और कंट्री में कंफ्यूजन हटाने के लिए वी हैव कंसाइडेड, हमने 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है क्योंकि क्लॉक अक्रॉस द कंट्री शो दैट सेम टाइम, समय है वो तो निकल जाता है पर जो हमारी कंट्री में जो टाइम होता है वो सेम ही दिखाया जाता है। फिर आपका रेफर टू द मैप ऑफ इंडिया, आंसर द फॉलोइंग, आपको इंडिया का मैप देखना है और उसमें से आंसर करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, अब ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो कौन से राज्य से नहीं पास होती, राजस्थान से पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी पास होती है, त्रिपुरा से भी क्रॉस होती है, बट ओडिशा से नहीं क्रॉस होती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा, तो आप इसके आंसर में बी कर लेंगे ओडिशा। फिफ्थ है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो क्या है, 97 डिग्री 25 ई, ईस्टर्न पूछा है तो यहाँ पे आप ई देखेंगे, 82 डिग्री वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये नहीं होगा आप कंफ्यूज ना हो, तो आप इसका आंसर कर लेंगे ए 97 डिग्री 25, यहाँ पे आपको दिया भी गया है ईस्ट में इनर मोस्ट 97 डिग्री 25 वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैंगिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ योर स्टेट, आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड देखना है आपके स्टेट का, तो आपका स्टेट क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली का आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल स्टेट देखना है, तो आप लिखेंगे 28 डिग्री 30 लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री 12 ई लॉन्गिट्यूड, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर मिल लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट थी बहुत आसान सी थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी, वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।